हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू दीप सॉल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सुबह सुबह का टाइम है, अदवी स्कूल जा चुकी है, पहला दिन है 2021 का स्कूल का, और क्रिसमस हॉलीडेज़ के बाद आज स्कूल खुले हैं, तो ऑलमोस्ट लाइक 3 वीक्स की हॉलीडेज़ थी, तो घर बहुत सूना सूना लग रहा है, और साथ ही है कि काम भी बहुत जल्दी निपट गया है, नीचे की क्लीनिंग, टैडी अप सब कुछ हो चुका है, किचन क्लीन हो गई है, और बस ऊपर आके मैंने ऊपर के दोनों कमरे अच्छे से डस्टिंग कर दी है, साथ ही बेड जो है वो मैंने बना दिए हैं, तो पूरा घर बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। इसके बाद बस मैं शावर ले लूँगी और पूजा करके फिर बाकी का काम निपटाएंगे। आज बहुत बड़ा एक टास्क है जो फिनिश करना है, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है, नाउ फीलिंग लाइक के चलिए अब बस सारी चीज़ें हटा ही देते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर मैं आपको छोटा सा एक व्यू दे देती हूँ कि मेरा बेडरूम कैसा लग रहा है टाइडी अप होने के बाद। एक अलग ही वाइब आती है जब घर पूरा अच्छे से क्लीन हो जाता है। और ये है आज का सबसे बड़ा टास्क, वो है कि ट्री को हटाना, क्रिसमस ट्री। आई थिंक हम लोगों ने सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में लगा दिया था, काफ़ी टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 1 महीना ही होने वाला है, और खूब इंजॉय किया हमने सारी डेकोरेशंस एवरीथिंग, लेकिन अब उस पॉइंट पर आने लगे थे कि हाँ बस अब सारी चीज़ें हट जाए, घर फिर से नीट एंड क्लीन हो जाए, क्योंकि गिफ्ट्स आ जाते हैं क्रिसमस के टाइम पे, न्यू ईयर के टाइम पे, तो वो घर बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि क्लटर्ड सा हो रहा है। तो हर चीज़ का अपना एक चार्म होता है उसी टाइम पर, तो ट्री के साथ खूब इंजॉय किया, बहुत सारे पिक्चर्स कलेक्ट किए, और बस अब ये है कि चलिए इसको रैप करके रख देंगे। अब ये निकलेगा तो इसी साल, लेकिन ये है कि अब नेक्स्ट क्रिसमस पे निकलेगा, तो जितने भी ऑर्नामेंट इसके ऊपर लगे हुए थे वो सारे निकाल दिए हैं, और एक बंदे के बस के काम नहीं है ये, क्योंकि ऑलमोस्ट लग जाता है 1-1.5 घंटा इन सारी चीज़ों में, तो जितने भी ऑर्नामेंट थे वो सारे निकाल लिए हैं। इसके बाद जो लाइट है वो निकाल रहे हैं, और ये काफ़ी बड़ी लाइट है, ट्री भी हमारा आई थिंक ये 7 फिट के करीब का है, और जो लाइट है वो भी हमने अलग से ली थी, और मेरे ख्याल से 2000 बल्ब्स वाली ये लाइट है, तो बहुत अच्छे से होता है ये, एंड इट लुक्स सो गुड, आई लव दिस ट्री लिटरली। तो ट्री जो है उसको धीरे धीरे उसकी ब्रांचेस जो है वो निकालनी शुरू कर दी हैं, और सबसे बड़ा काम होता है उनको फ्लफ करने का, जिस टाइम पे आप ट्री लगाते हैं और जब आप इसको रखते हैं तब आपको इनको अच्छे से प्रेस करके रखना पड़ता है, तभी वो उस बॉक्स में वापस फिट आ पाते हैं। तो यहाँ पर हम जो ब्रांचेज है ना वो एक बंच की जो एक जगह पर लगती हैं, तो उनको एक साथ बना कर रख रहे हैं, ताकि नेक्स्ट ईयर जो है फिर हमें दिक्कत ना हो असेंबल करने में, तो जो एक रोल पर लगती हैं वो सारी एक साथ, तो हस्बैंड यहाँ पे उतार के देते जा रहे हैं, और बस मैं उनको प्रेस करके बॉक्स के अंदर रखती जा रही हूँ एक एक बंच बनाकर, और उसके बाद फिर बस इस बॉक्स को अच्छे से पैक कर देंगे, ताकि डस्ट वगैरह कुछ भी इसके अंदर ना जाए, और बस ये रखा जाएगा, बाय बाय बोल देंगे हम इस ट्री को, और फिर जब क्रिसमस आएगा दिसंबर 2021, आई होप कि तब तक सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाएं, और दुनिया जैसी चल रही थी आराम से, सबके साथ सब एक दूसरे से मिल पाते थे, वो सारी चीज़ें फिर से शुरू हो जाएं। आजकल का टाइम बहुत टफ है, बहुत सी कंट्रीज़ में चीज़ें ओवरकम हो भी गई हैं, लेकिन यूके में कंडीशन बहुत ख़राब है। स्कूल खुले आज, और आज ही के दिन शाम को जो कुछ भी हुआ, आई थिंक जब तक ये वीडियो जाएगी सबको पता चल ही चुका होगा कि यूके जो है वो लॉकडाउन 3 में है, 6 वीक्स का लॉकडाउन है फिलहाल, और इट इज़ सो फ्रस्ट्रेटिंग, बहुत सारी चीज़ें बंद हो गई हैं, बच्चे एक दिन स्कूल गए हैं और उसके बाद फिर से स्कूल बंद हो गए, तो जितनी भी प्लानिंग थी कि चलो ठीक है जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो लगता है कि लाइफ बैक टू नॉर्मल आ रही है, लेकिन फिर से वही हालात हो गए कि बस एक ही दिन बच्चे जा पाए स्कूल, बच्चे भी थोड़े से डिसहार्टन होते हैं, उनको भी लगता है कि वो फ्रेंड से बस एक ही दिन मिले हैं, क्योंकि बच्चे सब कुछ नहीं समझ पाते, ठीक है उनको पता है कि कोविड चल रहा है, कोरोना है, लेकिन इतना ज़्यादा डिटेल में बच्चे नहीं समझते हैं, तो उनको मनाना बहुत मुश्किल रहता है। बट खैर जो भी हुआ है,
हम सबके फ़ायदे के लिए हुआ है कि ना ये चीज़ फैले। यूके इतनी बड़ी कंट्री नहीं है और यहाँ पर डेली के 50 to 60,000 केसेस आना इट्स सच अ बिग थिंग और स्कैरी भी है। चलिए इस चीज़ के बारे में क्या करें, न्यूज़ में तो यही चीज़ें रहती है, अब मैं वीडियो में भी यही बताने लगूंगी तो सबको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट बोल दें या फिर ये लगेगा कि यहाँ पर भी यही चल गया, दीपिका यहाँ भी यही बता रही है। तो चलिए उसको वहीं छोड़ देते हैं, बस इतना ये है कि हम फिर से लॉकडाउन में जा चुके हैं। 15-20 दिन ओपन रही चीज़ें और अब फिर से जो है वो बिल्कुल लाइक टायर 5 वाली रेस्ट्रिक्शंस हैं जो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। तो लाइट्स वगैरह जो भी हैं वो सब हमने निकाल दी हैं और लाइट्स जो हैं वो दिवाली से लगी हुई थी पूरे घर में, तो जितनी भी लाइट्स लगी हुई थी वो सारी की सारी हमने निकाल दी हैं और एक बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट हमने अपनी तरफ से इस न्यू ईयर की है। एंड आई होप के बस सारी चीज़ें जल्दी से ठीक हो जाएं। कुशन कवर्स यहाँ पर क्रिसमस के ही रखे हुए थे तो वो भी मैंने हटा दिए हैं और ये इंडिया से जो मैंने लिए थे ये वाले कुशन कवर्स वो लगा दिए हैं। नाउ कम टू लंच पार्ट, तो लंच में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, लेफ्ट ओवर कुछ चीज़ें हैं जिनका मैं मेक ओवर करने वाली हूँ जो बहुत ही बेहतरीन होता है। तो थोड़े से छोले बचे हुए हैं, थोड़ी सी अरहर की दाल रखी हुई है और एक ये आधा आलू है। सुबह आदवी को आलू का सैंडविच दिया था बना के स्कूल के लिए और साथ ही यहाँ पर राइस है। ये राइस मैंने सुबह ही बॉईल करे थे क्योंकि मुझे पता था कि क्या बनाना है, जो चीज़ें रखी हैं और थोड़ा बहुत कुछ एक्स्ट्रा बनाना है, दैट्स इट। तो इन लेफ्ट ओवर चीज़ों का यूज़ करके मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी सी आज की लंच थाली। तो सबसे पहले जो ये आलू है इसको मैं छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लूँगी और इसको मैं छोले के साथ ऐड कर दूँगी ताकि जो छोले हैं उनकी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ जाए और आलू छोले का जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छा लगता है। कोई ऐसा नहीं है कि वियर्ड सा कॉम्बिनेशन, ये दोनों चीज़ साथ जाती हैं। और जब मैंने आलू बॉयल किया था ना तो थोड़ा सा सॉल्ट मैंने डाला था आलू में तो ये बिल्कुल परफेक्ट रहता है। तो वो मैंने छोले वाली जो मेरी छोटी सी हांडी है उसी में मिला दिया है, उसको फिर मैं गर्म कर लूँगी जब भी लंच का टाइम होगा। अब यहाँ पर मैंने थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें ली हैं, एक ये वाइट अनियन है जिसको मैं लंबा लंबा काट रही हूँ और उधर जो वाइट वाइट दिखाई दे रहा है वो कैबेज है, थोड़ी सी बची हुई थी तो कैबेज को भी बिल्कुल थिनली स्लाइस कर लूँगी। और आधी मेरे पास कैप्सिकम रखी हुई थी तो इसको भी मैंने थिनली स्लाइस कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें मैंने काट ली हैं जिनका हम फ्राइड राइस बनाएंगे। अब बारी आती है दाल की, तो यहाँ पे दाल है इसका मैं रीयूज़ करने वाली हूँ आटे के अंदर। तो मैंने 1.5 कप के करीब यहाँ पर होल व्हीट फ्लार लिया है जिसकी आप रोटी बनाते हैं और उसके अंदर मैंने इस दाल को डाल लिया है। तो बहुत सॉफ्ट सी रोटियां बनती हैं, पराठे बनते हैं, आप जो चाहें वो इसका बना सकते हैं। और पानी की ज़रूरत देख लें कि कितनी दाल है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे पास जितनी दाल थी पहले मैंने उसी से इसको नीड करने की कोशिश करी और उसके बाद जितनी मुझे रिक्वायरमेंट लगी मैंने थोड़ा बहुत इसमें पानी डाल दिया। और बिल्कुल भी क्लिप जो है मैं यहाँ पे मिस नहीं करूँगी, तो आप देखेंगे किस तरह से मसल मसल के मैं ये डो बना के तैयार कर रही हूँ। तो बहुत ही सॉफ्ट सा आपको डो बनाना है, उससे आपकी रोटियाँ जो हैं वो बहुत मुलायम बनती हैं। तो जितनी मेहनत आप आटा लगाने में करेंगे उतने ही बेहतर आपको रिजल्ट मिलेंगे रोटियों के। और हर कोई जो है वो यही बोलेगा कि बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छी रोटियाँ बनी हैं। तो दिस स्टेप इज़ मस्ट और हमेशा जो डो है उसको अच्छे से मसल मसल के नीट कर करके आपको बनाना है। तो आटा मैंने कवर करके रख दिया है, वो सेट हो जाएगा। तब तक हम यहाँ पर अपने फ्राइड राइस बना लेते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं और क्विकली तैयार हो जाते हैं। तो अगर आपको फ्राइड राइस बनाने हैं ना तो आप राइस को 2-3 घंटा पहले उबाल के रख लें, जो लेफ्ट ओवर राइस होते हैं ना उनसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ वॉक में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, उसमें ज़रा सा जीरा डाल दिया है, थोड़ी सी मैंने राई डाल दी है और उसके बाद थोड़े से करी पत्ता डाल दिए हैं। ड्राइड है मेरे पास, फ्रेश हो तो फिर कहने ही क्या। इसके बाद इन चीज़ों को हल्का सा हमें सॉटे करना है और साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जो हमने प्याज काटी थी लंबी लंबी और जो शिमला मिर्च थी और जो कैबेज थी। यही तीनों चीज़ें डालें और कुछ ना डालें इस वाली रेसिपी में, अदरवाइज फिर टेस्ट डिफरेंट हो जाएगा। इस वाली रेसिपी को इसी तरह बनाएं, देन यू विल सी कि कितना टेस्टी बनता है। इसके बाद इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हमको
फ्राई कर लेना है कि ये अच्छे से कुक हो जाए। उसके बाद फिर हम इसमें बाकी के थोड़े बहुत कुछ मसाले और राइस ऐड करेंगे। सॉल्ट मैंने यहीं पर डाल दिया है ताकि जो सब्जियां हैं वो अपना कलर मेंटेन रखें, कि ऐसा ना हो कि वो ब्राउनिश सी हो जाए। हमें ब्राउन नहीं करना है, बस मकसद ये है कि ये जल्दी से गल जाए। तो हम यहाँ पर इनको कवर करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। बीच में एक आध बार आप इनको चलाते रहें। तो यहाँ पर सब्जियां हमारी अच्छे से फ्राई हो गई हैं। इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है और साथ ही मैंने डाला है ये मैजिक इंग्रेडिएंट विच इज़ पाव भाजी मसाला। अगर ये आपके पास हो तो प्लीज़ ज़रूर ऐड करें, अगर नहीं है तो कोई भी सब्जी मसाला डालें, लेकिन ये मस्ट है। लाइक अगर पाव भाजी मसाला हो तो फिर कहने ही क्या। साथ में मैंने इसको थोड़ा सा तीखापन देने के लिए पेरी पेरी सॉस ऐड किया है, ये भी मस्ट है। अगर ना हो आपके पास तो कोई भी तीखी सी अगर कोई सॉस तो आप वो डाल दें, या फिर टबास्को सॉस हो वो आप डाल लें। पेरी पेरी से बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनेंगे। तो मैंने एक टेबल स्पून के करीब डाला है और इसके बाद फिर मैंने इसके अंदर राइस ऐड कर दिए हैं जो मैंने पहले से ही बॉईल करके रखे हुए थे। और ये जो राइस है इनमें मैंने हल्का सा सॉल्ट ऐड किया था। तो सब्जियों में जो आपको सॉल्ट डालना है वो उसी हिसाब से डालें, कि अगर आपने चावल में नहीं डाला है तो उस हिसाब से डालें, या चावलों में अगर नमक है तो उस हिसाब से डालें। तो ऐसा ना हो कि चीजें बहुत ज्यादा फिर नमकीन हो जाएं। बस एक बैलेंस होना चाहिए, कायदा होना चाहिए खाने में। तो अब राइस के साथ मैं इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी। हीट जो है वो मीडियम कर दें और कवर करके इसको 2-3 मिनट के लिए छोड़ दें। राइस के अंदर बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा पाव भाजी मसाले का और जो हमने पेरी पेरी सॉस डाला है उसका, और सब्जियों के अंदर एक अलग सा क्रंच रहता है इसमें। इट इज़ सुपर टेस्टी, तो आप इसको ट्राई ज़रूर करना। और ये ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है, लाइक इसके साथ सिर्फ आप दही ले लो, ये वाला फ्राइड राइस बनाओ, अपने आप में पूरा एक मील है और बहुत टेस्टी है। तो चलिए, यहाँ पर हमारे राइस जो हैं वो तैयार हो गए हैं और बस इनको मैंने 1-2 मिनट के लिए और कवर करके बिल्कुल सिम हीट पर छोड़ दिया था और ये यहाँ पर बिल्कुल डन है। फाइनली अगर आप चाहें तो इनके ऊपर थोड़ा सा धनिया पत्ता जो है बारीक बारीक काट के वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे घर में कोई नहीं खाता है चावल में या दाल में धनिया पत्ता, तो इसीलिए मैं ऐड नहीं करती हूँ। बहुत सिलेक्टेड रेसिपीज हैं जिनके अंदर धनिया पत्ता मेरे घर में ऐड होता है। तो राइस हमारे डन हो गए हैं। इसके बाद जो हमारे छोले और आलू हैं उसको मैं अच्छे से गरम कर लूंगी ताकि जो छोले मसाला का फ्लेवर है वो आलू के अंदर भी चला जाए। तो बस इसको गरम करेंगे और इसके बाद क्या काम बचा है, इसके बाद सिर्फ फुलके का काम बचा है, दैट्स इट। तो विद इन 15 मिनट आपका लंच तैयार हो जाता है। और कितनी भी कोशिश कर लें आप, कितना भी नाप तोल के खाना बना दें, कभी ना कभी ये चीज़ें जो हैं वो बच ही जाती हैं। भले ही एक कटोरी बच जाए, भले ही 2 चम्मच बच जाए, या कभी कभार बहुत ज़्यादा भी बच जाती हैं। तो आप नाप के चीज़ें इतना नहीं बना सकते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट, कि हाँ सबको उतनी उतनी ही मिले, सब उतनी उतनी ही खाएँ। भूख के ऊपर भी डिपेंड करता है कि किसी दिन किसी ने 2 फुलके खा लिए, किसी दिन 3 खा लिए, आपने नाप के 3 का अंदाज़ा लगाया, अगले ने 2 ही खाए तो वो एक रोटी बच गई। तो सेम सब्जियों के साथ भी होता है एंड आई प्रिफर दैट वे कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना लो, नेक्स्ट टाइम पे काम थोड़ा सा कम हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा प्लान तो ये था कि मुझे रोटियां सेकनी है, लेकिन साहब बोले कि चलो पराठे बना लो, बिल्कुल परफेक्ट सा मील हो जाएगा। मैं कहा ठीक है, पराठे तो बनाएंगे लेकिन हम अपने स्टाइल में बनाएंगे, तो ऑयल जो है वो बिल्कुल कम कम लगे, तो इसीलिए मैं ब्रश से ऑयल लगा रही हूँ। और आप चाहें तो घी में भी सेक सकते हैं, एंटायरली अप टू यू। और ब्रश से ऑयल लगाने से बहुत कम ऑयल लगता है और इवनली लग जाता है और बहुत अच्छे से पराठे आपके सिक जाते हैं। और मैं किसी शेप वेप के नहीं बना रही हूँ, बिल्कुल जैसे रोटी बेलते हैं उसी तरीके से, और तवे पर सेक रही हूँ मीडियम हीट पर। तो ये है हमारी आज की लंच थाली। हमारा पुलाव बोल लें, फ्राइड राइस बोल लें, साथ में आलू छोले और दाल वाली रोटी, अचार भी रखा हुआ है साथ में। दिस इज सुपर कॉम्बो और लेफ्ट ओवर का ऐसा मेकओवर बड़ा अच्छा लगता है।
चलिए, खाना पीना जो है वो ऑलमोस्ट हो चुका है और इसके बाद हम बाकी के काम की तरफ बढ़ते हैं। तो पहली शिफ्ट में हम लोगों ने ट्री हटाया, लिविंग रूम को लाइक हमने पूरा सेट कर दिया, लिविंग रूम की डेकोरेशंस जो थी क्रिसमस की वो हटा दी और अब हमारी जो है वो सेकेंड इनिंग चल रही है। तो इसमें जो पूरे घर में लाइट्स लगी हुई थी वो हम हटा रहे हैं। तो लाइट्स जो हैं वो हम इस बॉक्स में रख रहे हैं, जितनी भी लाइट्स हैं वो सारी यहाँ रखी जाएंगी। तो जब दिवाली पे, क्योंकि दिवाली पे बॉक्स पहले निकल जाता है क्रिसमस के लिए बाद में, तो जो लाइट्स हैं वो सब एक साथ रखते हैं। इसके बाद ये वाली लाइट जो हमारे स्टेयरकेस पे लगी हुई थी ये उतारनी थी, तो जलाकर देखी इन्होंने, देन ही सेड के नहीं भाई, इस वाली लाइट को नहीं उतारते हैं, ये बहुत अच्छी लग रही है, इसको ऐसे ही रहने दो। लगाने में भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी इसमें, बहुत ज़्यादा इनको इधर से चढ़ उधर से चढ़ ऐसे ऐसे लगाई थी इन्होंने ये दिवाली पे, तो इन्होंने मना कर दिया कि इस वाली लाइट को नहीं उतार रहे हैं, भले ही जलाना मत बट इसको ऐसे ही रहने दो। आई वाज लाइक कि चलो ठीक है कोई नहीं, एक ही तो लाइट है। इसके बाद अद्वी के रूम में लगी हुई थी लाइट्स, तो ये भी उतार देंगे। एक उसके फोटो फ्रेम के चारों तरफ लगी हुई थी स्नोफ्लेक वाली, तो वो बैटरी ऑपरेटेड है, वो भी निकाल देंगे। और ये सारी चीज़ें हमने निकाली, अद्वी जब आई शी इज़ लाइक हाउस इज लुकिंग सो एम्प्टी मम्मा, और उसको था नहीं कि जब वो आएगी तो उसको सारी चीज़ें खाली मिलेंगी, सब कुछ उतर जाएगा। उसको बोला था कि जब तुम आओगी तो सरप्राइज मिलेगा, तो ये था सरप्राइज उसके लिए। लेकिन शाम को जब हमारे प्रधानमंत्री ने स्पीच दी तो हर कोई ही सरप्राइज हो गया, बट खैर क्या कर सकते हैं। तो फिलहाल जितनी भी डेकोरेशंस हैं क्रिसमस की या फिर जो कुछ दिवाली के टाइम की भी रखी हुई थी, तो वो हमने सब हटा दी हैं। नॉर्मल घर में जो चीज़ें होती हैं बस वही हैं, सब कुछ हट गया है, सारा टाइटी अप हो गया है, फाइनल काम बचा है। साहब अब यहाँ पे वैक्यूम कर रहे हैं, इसके बाद मैं बस अपना थोड़ा सा काम करूंगी। लाइक मैं फिलहाल अपना यूट्यूब का काम कर रही थी, तब उन्होंने नीचे का सारा कर दिया था और इन्होंने अब तक भी शावर नहीं लिया था, इनको यही था कि बस मैं वैक्यूम करके तब ही लूंगा। तो यहाँ से ट्री हटाएं, जगह बिल्कुल खाली खाली हो गई है, लिटरली घर जो है वो बहुत सूना सूना सा ही लग रहा है खाली खाली, लेकिन एक फ्रेश वाइब भी आ रही है कि बिल्कुल जैसे खाली खाली सा हुआ है ना, जगह से निकली है, ऐसा लग रहा था जैसे घर जो है वो थोड़ा सा ब्रीद कर रहा है, उसको सांस आ रही है। अदरवाइज पिछले एक महीने से इतनी सारी डेकोरेशंस की वजह से बहुत क्राउडेड हो रहा था, लेकिन वो डेकोरेशंस जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी क्योंकि वो त्यौहार के लिए थी और उनका एक अलग चार्म है। तो चलिए आपको एक छोटा सा टूर दे देती हूँ कि नीचे का जो एरिया है वो कैसा लग रहा है। तो हमारी टेबल अपनी पुरानी जगह पर आ गई है, बीन बैग पुरानी जगह पर आ गया है, इधर प्लांटर है हमारा, और लकीली अब तक जितने भी प्लांट्स हम लोग लेकर आए थे दिवाली पे, हम ये प्लांटर लाए थे, सारे प्लांट्स जो हैं वो ठीक ठाक हैं। अभी तक ऐसा नहीं हुआ देख के हाय ये वाला प्लांट तो मर गया, ऐसा नहीं हुआ, टच वुड। तो प्लांट्स जो हैं वो सारे सही चल रहे हैं और कुशन कवर्स जो हैं वो चेंज हो गए हैं, और जो ये बीच वाला कुशन है जिस पे आपको बॉर्डर नहीं दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली वो जो गाँव तक ये होते हैं ना राउंड वाले जो पिलोज होते हैं, ये उसका कवर था, लेकिन मेरे राउंड पिलोज जो हैं वो छोटे हैं तो उसके ऊपर ये बड़ा आ रहा था, तो मैंने फोल्ड करके ये इस तरह से कर दिया, तो वो बीच में अलग सा एक अलग लुक क्रिएट कर रहा है, और जो मैचिंग था बॉर्डर वाला वो मैंने बीन बैग पे रख दिया है। तो इस तरह से हमारा लिविंग रूम लग रहा है। मैं आपको डाइनिंग एरिया भी दिखा देती हूँ, तो डाइनिंग एरिया के जो कुशन कवर्स हैं वो भी मैंने चेंज कर दिए, मेरा ये वाले रखने का मन कर रहा था, हालांकि इतने मैच नहीं हो रहे यहाँ पे, बट मैं कहा चलो कोई बात नहीं यही वाले रख देते, थोड़ा ट्रेडिशनल सा अच्छा लग रहा है। तो ऐसा हमारा डाइनिंग एरिया लग रहा है, और बस यही थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो क्या करना है, लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए, कुछ फीडबैक देना चाहें, कुछ नई रेसिपीज़ या क्या आप चैनल पर देखना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई ट्राई माय बेस्ट टू ब्रिंग दैट कंटेंट ऑन दिस चैनल। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, इट्स कम्प्लीटली फ्री। और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी, टिल देन यू गाइस टेक केयर, एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड lots of love to you all. Thank you so much for watching. Bye bye and take care.